नमस्कार साथियों, मैं अगस्त कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 35 में और क्वेश्चन नंबर साथियों 7 में। साथियों आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। साथियों जो भी हमारा लेक्चर पहली बार देख रहा हो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, हमने सारे सीरीज अपलोड की साथियों। ठीक है साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है साथियों आइए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों क्या दिया गया है, -3x + 2y साथियों -6 साथियों। साथियों क्या है, इस क्वेश्चन से साथियों छोटा है, इस क्वेश्चन से क्या -6 क्या है छोटा साथियों। ठीक है साथियों, तो हमने क्या किया साथियों, जैसे हमने पहले क्वेश्चन तुम्हें किया था, इसके पहले के लेक्चर्स में क्लास 9 और 10 में भी हमने ऐसा किया था। क्या क्या था, -3x + 2y इक्वल टू साथियों क्या है -6 साथियों। हमने क्या किया, इसके लेके क्या कह रहे हैं, इक्वल्स को साइड लगा दिया। ठीक है साथियों, साथियों हमने यहाँ पे क्या किया है, x0 रखा, y की वैल्यू निकाली, y0 रखा, x की वैल्यू निकाली। ठीक है साथियों, हम क्या करेंगे साथियों, इसे नंबर लाइन में पुट करेंगे। नंबर लाइन में साथियों ये क्या है, x पॉजिटिव है, ये क्या है y नेगेटिव, y नेगेटिव का तो कहां तक है -1 -2 -3। ठीक है साथियों, x पॉजिटिव कहां तक है 1 2 3। ठीक है साथियों, और क्या x नेगेटिव है, नहीं है, y पॉजिटिव है, नहीं है, तो हम करते इसको यहां तक कर देते। ठीक है साथियों, और एरो बना देते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पहले क्या 0,-0 / -3 है, -3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या साथियों 0,-3। ठीक है साथियों, हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। और यहाँ पर क्या दिया है, y0x है पॉजिटिव 2 है, x क्या है पॉजिटिव 2, y क्या है साथियों 0 है। फर्स्ट वैल्यू में से साथियों x की होती है, सेकंड वैल्यू क्या होती है y की होती है। ठीक है साथियों, अब इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे इक्वल टू है, तो हमें हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो हमारी क्या जाएगी स्ट्रेट लाइन जाएगी साथियों, क्या जाएगी स्ट्रेट लाइन साथियों। मैंने क्या अभी ये व्हाइट बोर्ड करा उसकी वजह से स्टेट नहीं हो पा रही, पर आप अपने फिर अपने ग्राफ पेपर में स्टेट स्टेट लाइन ही बनाएंगे। ठीक है साथियों, आइए हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं साथियों। आप देखिए ध्यान से देखिए इसको, हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब हमें सेट किस साइड करना है, इस साइड करना है, किस साइड करना है, इसलिए हम क्या करते हैं 0,0 लेते हैं। क्या लेते हैं 0,0 साथियों, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 0,0 क्या होता है बहुत इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है साथियों, अब आइए हम इसको रीड करते हैं क्या दिया क्या है। पहले हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे, नाउ पुट 0,0 इन गिवन इन इक्वेशंस and determine if this point satisfy given in equation साथियों, given in equation साथियों। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब ध्यान से देखिए इस equation में क्या करेंगे, 0,0 put करेंगे, और ये line equation क्या है साथियों, पहले मैं यहाँ लिख देते हैं -3x + 2y = -6 साथियों, और ये equation में put करते साथियों, आइए देखते हैं -3x + 2y ये बड़ा है किससे, -6 साथियों। अब मल्टीप्लाई करेंगे -3 का 0 में क्या आएगा साथियों, और ऑफ कोर्स 0 ही आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में क्या आएगा 0 ही आएगा साथियों, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं ये -6 साथियों। साथियों देखिए 0 क्या बड़ा है -6 साथियों, साथियों बड़ा कि नहीं बड़ा, आप पहले सोच के बताइए, आप पहले गौर करिए और सोच के बताइए साथियों। ये नंबर लाइन दी गई साथियों, ये +1 ये 0 ये -1 ये -2 ये -3 -4 -5 और साथियों -6 साथियों। साथियों देखिए हमें पता है यदि +1 क्या है -1 से बड़ा है, 0 क्या है -2 से बड़ा, -1 क्या साथियों -4 से बड़ा, -5 से बड़ा, -6 से बड़ा है। ठीक है साथियों, ये -6 क्या है 0 से बड़ा है साथियों, ऑफ कोर्स बड़ा है साथियों, तो यहां पे क्या साथियों आ जाएगा ट्रू, क्या जाएगा साथियों ट्रू आ जाएगा साथियों, देखिए ट्रू आ जाएगा। अपने पॉइंट स्टार्ट वाले तो क्या करेंगे, सब एरो बनाएंगे और इधर भी एरो बनाएंगे और इसको पूरा सेट करेंगे, करेंगे साथियों सेट कर देंगे साथियों। ठीक है साथियों, साथियों ये हमारा लेक्चर नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे साथियों, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।